तो आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलोन मस्क के कुछ डार्क सीक्रेट्स के बारे में। तो भाई इस बंदे ने क्या नहीं बनाया, इन्होंने अपने खुद की एक कार बना ली, इन्होंने अपने खुद का एक रॉकेट बनाया, इन्होंने अपने खुद का एक एआई बना लिया एंड उसके साथ साथ इन्होंने अपने खुद का एक गेम भी बना लिया, और कमी रह गई थी तो इन्होंने ट्विटर को भी अपना ही बना लिया। बीट बजे भाई की तो भाई मेरे झूमते रे चल मेरे झाई की दवाई भाई। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मुझे एक बात बताओ कि जब आप 10 साल के थे तब आप क्या कर रहे थे? टीवी देख रहे थे, गेम्स खेल रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे? अरे भाई इलोन मस्क से कुछ सीखो, जब ये 10 साल की उम्र के थे तब इन्होंने कोडिंग करना शुरू कर दिया था एंड जब ये 12 साल के हुए तब इन्होंने अपना खुद का एक गेम बनाया था जिसका नाम था ब्लास्टर, और तो और उस गेम को इन्होंने $500 में सेल भी कर दिया था। अगर आपको वो गेम खेलना है तो नो प्रॉब्लम, आपका भाई अभी जिंदा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप गेम खेल सकते हैं। ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि इलोन मस्क का बचपना तो कितना ही मजेदार रहा होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज जो उनकी मॉम थी वो थी कनाडा से एंड उनके जो डैड थे वो थे साउथ अफ्रीका से, बट जो उनके डैड थे वो बहुत ही अब्यूसिव थे एंड वो घर में रोजाना गाली गलौज और लड़ाइयां वगैरह करते रहते थे एंड एक बार तो इलोन मस्क ने अपने डैड को एविल तक भी बोला था, और तो और स्कूल में भी इलोन मस्क को बहुत ही बुली किया जाता था एंड इसीलिए उनको स्कूल से नफरत भी थी, और शायद इसी वजह से उन्हें एक बार हॉस्पिटलाइज भी किया गया था। अब आते हैं इनकी कॉलेज लाइफ पर। तो ये भैया सिर्फ 2 दिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए एंड उसके बाद वहाँ से बोर हो गए तो इन्होंने इनके भाई के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू करी जिसका नाम था Zip2 एंड इसमें वो बेसिकली न्यूज़पेपर को मैप्स और डायरीज प्रोवाइड किया करते थे एंड बाद में इन्होंने ये कंपनी को ऑलमोस्ट $300 मिलियन के लिए सेल कर दिया था। भाई साहब बंदा बचपन से ही बिजनेस माइंडेड था। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप अभी ऑनलाइन पेमेंट करते हो फोन पे गूगल पे UPI के थ्रू, वो शुरू किसने किया था? नो अदर देन इलोन मस्क। तो Zip2 कंपनी को सेल करने के बाद इन्होंने एक और कंपनी की शुरुआत करी जिसका नाम था X.com एंड उसमें जो पेमेंट था वो ऑनलाइन किया जाता था एंड इसी का नाम बाद में बदलकर PayPal कर दिया जाता है एंड वो कंपनी भी ये बाद में सेल कर देते हैं। भाई मैं सच में बता रहा हूँ, ये बंदा अपने टाइम के बहुत ही आगे जी रहा होता है। अब बात कर लेते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो भाई साहब इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि इनकी शादी 3 बार हुई है बट इनकी वाइफ सिर्फ 2 है। ऐसा कैसे मैं बताता हूँ। तो भाई साहब इन्होंने सिर्फ एक लड़की से 2 बार शादी करी थी, एक बार शादी करी फिर डिवोर्स दिया, फिर वापस से उससे शादी करी एंड वापस से डिवोर्स दे दिया। अब बात कर लेते हैं इनके बच्चों के बारे में। तो इनके बच्चे ज़्यादा नहीं, बस 1, 2, 3, 10 ही तो है यार, और उनके नाम भी रामू श्यामू ऐसा कुछ नहीं है बल्कि उनका नाम है X, XAI, X12, XE। भाई साहब ये नाम है कि मैथ्स की इक्वेशन? तो भाई साहब इलोन मस्क जिन्हें रियल लाइफ आयरन मैन कहा जाता है वो आयरन मैन 2 मूवी में भी दिखे थे एज अ गेस्ट अपीयरेंस में, एंड ऐसा इसलिए बिकॉज जो मूवी में आयरन मैन है टोनी शार्क वो भी इलोन मस्क के बहुत ही बड़े फैन हैं। भाई साहब इस बंदे की फैन बेस तो बहुत ही बड़ी है, ये तो इशारा क्यों हो गया। तो अब बात कर लेते हैं टेस्ला कंपनी के बारे में जिसके मालिक हैं इलोन मस्क, बट टेस्ला कंपनी को इलोन मस्क ने नहीं बनाया था बल्कि इसे बनाया था मार्क टैपनिंग एंड मार्टिन एबरहर्ड ने 2003 में, बट इलोन मस्क ने इस कंपनी को ज्वाइन किया था 2004 में एंड वो इसके CEO बने थे 2008 में। अब आपको पता चला होगा कि टेस्ला तो इलोन मस्क की है ही नहीं। तो अब इलोन मस्क के बारे में बात हो रही हो और ट्विटर के बारे में बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो ट्विटर को जब से इलोन मस्क ने एक्वायर किया है तब से वो उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं एंड उनका कहना है कि वो ट्विटर में टिकटॉक व्हाट्सएप पेमेंट फीचर सभी घुसाने वाले हैं क्योंकि जो पैसा उन्होंने उसको बाय करने में लगाया है उसको निकालना तो पड़ेगा ना मेरी जान। एंड इलोन मस्क का एक विजन ये भी है कि वो मार्स पर अपनी एक कॉलोनी बनाना चाहते हैं जहां पर वो इंसानों को पहुंचा सके अगर धरती कभी खत्म हो जाती है तो। भाई साहब बहुत ही बड़ा विजन है बंदे का। एंड ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब जरूर करें।